तो ये ऑल आईटी जॉब्स इंफॉर्मेशन का है वीडियो नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे लिनक्स जॉब करियर एंड फ्यूचर के बारे में एंड इसकी सैलरी के बारे में। हम बात करें करंट यूजेस ऑफ लिनक्स। इसमें सबसे पहले यूज होता है सर्वर्स एंड कंप्यूटर्स में, सुपर कंप्यूटर्स बनाने के लिए यूज होता है लिनक्स सर्वर, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे यूज होता है लिनक्स सर्वर एंड समटाइम्स वी आर यूजिंग इन द पर्सनल या ऑफिशियल डेस्कटॉप एज वेल, जो विंडोज सर्वर आप यूज करते हो तो कई बार हम वहाँ पे लिनक्स के सर्वर भी यूज करते हैं। द मेन इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे अभी भी हैं जो लिनक्स पे डिजाइन होते हैं या जो लिनक्स पे बनाए जाते। बात करते हैं फ्यूचर स्कोप इन 2025 में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है AI एंड मशीन लर्निंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एंड मशीन लर्निंग होता है, जहाँ पे लिनक्स का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। एंड इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज होने वाला है, जो DevOps इंजीनियर होते हैं या AWS क्लाउड पे काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए लिनक्स का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। एंड अदर थिंग इज इम्पोर्टेंट साइबर सिक्योरिटी, तो जितने भी अभी तक साइबर सिक्योरिटी के बेसिकली प्लेटफॉर्म है आपको मोस्टली 80-90% आपको लिनक्स बेस्ड मिल जाएंगे, तो लिनक्स का यहाँ पे जो फंडामेंटल है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। एंड दी अदर वन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड मिलिट्री सेक्टर डिपार्टमेंट, तो स्पेशली गवर्नमेंट में या स्पेशली अगर आप बात करो मिलिट्री सेक्टर्स में तो वहाँ पे लिनक्स सर्वर हमेशा यूज होते आए हैं। बहुत ज़्यादा है चांसेस कि अगर आप गवर्नमेंट के साइड भी जाना चाहते हो IT सेक्टर में तो वहाँ पे आपको लिनक्स पढ़ना पड़ेगा क्योंकि। एंड थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 2025 ऑफ द लिनक्स सर्वर, मतलब क्या क्या वो मैनेज करने वाले हैं या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है। तो बेसिकली रोल में जो मेन रोल है वो क्लाउड बेस्ड हो गया या एक DevOps का इंजीनियर हो गया या क्लाउड इंजीनियर हो गया, वहाँ पे ये यूज होने वाला है आपका लिनक्स सर्वर बहुत ज्यादा, जिसमें कि Kubernetes हो गया, क्लस्टर हो गया, Ansible हो गया, Terraform हो गया, Puppet हो गया, तो ये सारे जो DevOps के टूल हैं बेसिकली वहाँ पे आपको लिनक्स सर्वर बहुत ज्यादा मिलने वाला 2025 में। नेक्स्ट ईयर इसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली। एंड सेकेंड साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ऊपर जा रही है वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी भी बहुत आगे जा रही है, या जो हैकर्स हैं क्रैकर्स हैं तो बेसिकली वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, तो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में आपको लिनक्स मिलने वाला। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाह रहे हो या एथिकल हैकर बनना चाह रहे हो तो लिनक्स आपके लिए कंपलसरी हो जाता है, जो कि आपको आना ही चाहिए। एंड ऑटोमेशन में लिनक्स का भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, जहाँ पे ऑटोमेशन चीज़ें होती हैं वहाँ पे लिनक्स की सर्वर्स भी यूज होते हैं। आप एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जो टेस्टिंग में ऑटोमेशन होता है वो एक डिफरेंट होता है, बट जो ऑटोमेशन जहाँ से चीज़ें होती हैं वो लिनक्स बेस्ड सर्वर पे भी होने वाली हैं। अगर हम इसके ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें कि ओवरऑल फैक्टर क्या निकलता है, तो बेसिकली लिनक्स का जो सर्वर है वो यूज होगा एक सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। एक IT सेक्टर में आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लो या कोई भी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लो, वहाँ पे आपको लिनक्स के सर्वर 100% मिल जाएंगे। तो वो डेवलपमेंट में जो लिनक्स का यूज होता है एक सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कंपनीज में यूज होता है। एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या ये या कह लो कि आप ये एक ऐसा सर्वर है या एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि ख़त्म नहीं होने वाला जल्दी से। सो अगर आप IT में एक अच्छा फ्यूचर एक अच्छा करियर आप बनाना चाहते हो तो नो डाउट आप लिनक्स सीख सकते हो, आप कहीं से भी सीख सकते हो, स्किल्स आप कहीं से ले सकते हो और इसके बाद जॉब्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो। बाकी ये तो हम जानते हैं कि ये ओपन सोर्स लिनक्स प्लेटफॉर्म है, ये बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि लिनक्स एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो आप ओपन सोर्स एंड कस्टमाइजेबल है, बहुत ज़्यादा आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो लिनक्स के सर्वर में अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ओपन सोर्स है, सिक्योर होता है, जल्दी से हैकर्स इस पे इसको हैक नहीं कर सकते हैं, तो मल्टीपल चीज़ें हैं एज कम्पेयर टू विंडोज से ये कई गुना अच्छा है। बाकी अगर आप क्लाउड वगैरह सीख रहे हो तो ये आपके लिए मस्त है, एंड क्लाउड में आपको थोड़ी बहुत नेटवर्किंग भी मिल जाती है, तो आपको नेटवर्किंग भी आनी चाहिए, जैसे राउटिंग हो गया, सब नेटिंग हो गया, तो ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। एंड अप्रॉक्स अगर इसके लास्ट पॉइंट की हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी पहली चीज़ क्या होती है कि आपके कंपनी पे डिपेंड करता है, बट इन एंड अराउंड अगर आपको मैं बताऊँ 4-5 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा
तो आपको नॉर्मली 12 से 15 लाख का पैकेज आपको इजीली मिल जाएगा जब आप किसी एक एमएनसी कंपनी के लिए जॉब करोगे। एंड नॉर्मली एक स्मॉल स्टार्टअप में आपको आराम से 4 से 5 लाख का आपको स्टार्टअप मिल जाएगा जब आपके पास एक अच्छी स्किल्स होगी एंड उसके साथ आप ग्रो कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म अगर करियर फ्यूचर की बात करूँ तो नो डाउट इसका कभी अभी तो फिलहाल में ख़त्म नहीं होने वाला और आने वाले टाइम में भी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।